हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बाला पीर इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक LG कंपनी अल्ट्रा स्लिम टीवी है, 21 इंच का। इसका आपको आज वर्टिकल सेक्शन का वोल्टेज टोटल चेक करके दिखाऊंगा और किस पॉइंट पर कितना वोल्टेज आता है वह सारा डिटेल आपको बताऊँगा। तो ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो पर बने रहें। हम टीवी आपको एक बार चला के दिखा देते हैं। यह टीवी पूरी तरह ओके है और उसके बाद आपको वोल्टेज दिखाएंगे चेक करके, तभी आपको विश्वास होगा। तो यह देखिए, मेरा फिगर और आवाज़ दोनों इसका आ रहा है, मेरा टीवी बिल्कुल सही है। तो अब हम चलिए टीवी को खोलते हैं और पीछे चलते हैं। दोस्तों, हमने टीवी को खोल दिया है और यह देखिए, एक पीछे से है पोर्शन। अब चलिए आपको कैमरा नज़दीक करते हैं और आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं वर्टिकल सेक्शन का। दोस्तों, वर्टिकल सेक्शन का IC का जो नंबर है वह है 4865A। यह वर्टिकल सेक्शन यहाँ है और ये इसमें IC लगा हुआ है 4865A TDA 4865A यानी 4865A। चलिए अब हम इसको उलटते हैं और वोल्टेज दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, वर्टिकल सेक्शन का IC का देखिए, यह है पॉइंट और आपको पिन नंबर गिन के दिखाते हैं। तो यह है मेरा एक नंबर पिन और इसके बाद यह दो नंबर, यह तीन नंबर, यह चार नंबर, यह पांच नंबर और यह छह नंबर है और यह सात नंबर, यही पिन है। तो दोस्तों, इसका जो सप्लाई होता है, जो मेन सप्लाई होता है, वह EST से आता है, EST सेक्शन से आता है। तो EST पर देखिए, दिखाते हैं आपको, ये देखिए, इस पर प्लस 14 प्लस वोल्ट और यह माइनस 14 वोल्ट यानी नेगेटिव 14 वोल्ट और यह पॉजिटिव 14 वोल्ट। ये देखिए, यहाँ जैक द्वारा यहाँ आया और यहाँ के बाद यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, डायोड लगा हुआ है। तो डायोड यह पॉजिटिव सप्लाई करके यहाँ नीचे दिया और यह पॉजिटिव सप्लाई होकर और यह जैक से और रेजिस्टेंस लगाकर और ये देखिए यहाँ होकर और इस पर पहुँचा, ये यहाँ आ रहा है और यह यहाँ है। तो यहाँ जैक और यहाँ के बाद देखिए एक डायोड लगाया है यहाँ, तो डायोड से यह सप्लाई जो है मेरा इस जगह पहुँच रहा है, वर्टिकल सेक्शन पे इस जगह आ रहा है। और अब इसका हम सप्लाई नाप के आपको टोटल दिखा देते हैं और अब चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। तो हम मीटर रख देते हैं। चलिए अब हम टीवी को स्टार्ट करते हैं। मीटर को हम 200 के रेंज में सेट करेंगे और एक सप्लाई जो है ये 20 के रेंज में सेट होता है। तो हमें 20 का ही सप्लाई, केवल 20 वोल्ट से नीचे का सप्लाई नापना है तो हम मीटर को वहीं सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सप्लाई देखते हैं यहाँ कितना आता है। ये देखिए, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ 14 वोल्ट से ऊपर आ रहा है और उसके बाद इस पॉइंट पर नेगेटिव सप्लाई आता है। तो यहाँ भी देखेंगे तो यह देखिए, यह माइनस में सप्लाई आ रहा है, यानी यह माइनस है और यह प्लस सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई। तो अब चलिए दिखाते हैं आपको, आप एक नंबर पर देखते हैं कितना सप्लाई यहाँ आ रहा है। एक नंबर पे मेरा ये देखिए सप्लाई है, एक नंबर इसका सप्लाई पिन है और दो नंबर पे आते हैं तो दो नंबर यहाँ है। तो दो नंबर पे मेरा माइनस 9.2 वोल्ट यानी 9 वोल्ट आता है और तीन नंबर पे, ये तीन नंबर पॉइंट है यहाँ, तो इस पर देखिए 14 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है। उसके बाद चार नंबर पर सप्लाई देखते हैं, ये देखिए चार नंबर का सप्लाई है। तो चार नंबर पे मेरा नेगेटिव सप्लाई आता है और पाँच नंबर पे अब चलते हैं तो मेरा पाँच नंबर पे हल्का सप्लाई आता है, हल्का दशमलव में, ताकि IC इंडक्शन फंक्शन करे। और उसके बाद यह है छः नंबर, तो छः नंबर पे मेरा हल्का सप्लाई है। अब छः नंबर पे हम देख लेते हैं सप्लाई, तो छः नंबर पे भी मेरा हल्का सप्लाई है, आधा वोल्ट से ऊपर। अब सात नंबर पे चलते हैं तो यहाँ भी मेरा हल्के सप्लाई है। यही इसका डिटेल है IC का।
आप दिखाते हैं आपको एक चीज और दोस्तों, इसका जो 7 नंबर पिन है वह आईसी से कनेक्टेड होता है। तो आईसी से 1 से 1.5 वोल्ट के सप्लाई निकलता है जो वर्टिकल आउटपुट सेक्शन को, यहीं यह वर्टिकल है आउटपुट, आईसी को सप्लाई जाता है तब यह आईसी इंडक्शन करता है। तो वह देखे 7 नंबर पिन है यहाँ, तो यह देखे जैक लगा हुआ है और जैक के द्वारा एक रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ और यह सप्लाई यहाँ आकर एक जैक से यहाँ आया है। तो यहाँ से देखिए 1 से 1.5 वोल्ट की सप्लाई आईसी आउट करता है। ये देखिए ये 1.25 वोल्ट की सप्लाई आईसी 1 से 1.5 वोल्ट की सप्लाई आउट कर रहा है, तब यह जो है काम करता है और यह यहाँ आया है, यह जैक से आया है और यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया है तो यहाँ यह सप्लाई पहुँचा है। तो यहाँ सप्लाई हल्का हो जाता है, रेजिस्टेंस जब आता है कट कर तो 0.5 वोल्ट के करीब हो जाता है। तो यही सप्लाई जब यहाँ आएगा तब यह आईसी काम करेगा। अगर यह सप्लाई नहीं आएगा तो आपके टीवी के स्क्रीन पर बाएं से दाएं एक लाइन आएगा आपको, ठीक है। तो आपका बाएं से दाएं जब लाइन आएगा तो आपका वर्टिकल सेक्शन फेल दिखाएगा, यानी वर्टिकल सेक्शन आपका काम नहीं करेगा। वर्टिकल सेक्शन का काम है पिक्चर को ऊपर से नीचे की ओर फैलाना, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का काम है, यह जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन देख रहे हैं इसका काम है पिक्चर को बाएं से दाएं की ओर फैलाना। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन को ऑल करें। धन्यवाद।